नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 मिस्टेक के बारे में बात, जो कि मैंने अपने YouTube करियर में की थी, जो शुरुआती तौर में और कोई न्यू यूट्यूबर मिस्टेक करता है। मैंने भी ऐसी 5 मिस्टेक की थी जिस वजह से मेरा चैनल पीछे रह गया था और इतनी जल्दी ग्रो नहीं हो पाया। जब से मैंने ये 5 मिस्टेक को सुधारने की कोशिश की है, आप सभी के सामने मेरा चैनल 100% ग्रो हुआ, जिस वजह से मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स व्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं। आज इसी 5 मिस्टेक के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। आपको भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, अगर करते हो तो आज से यह करना बंद कर देना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कि मिस्टेक की बात आती है, जो कि मैं अक्सर अपने वीडियो में करता था, वो था कन्फ्यूजी टाइटल को लेकर। जी हाँ, सबसे पहले न्यू यूट्यूबर के साथ अक्सर ऐसा होता है, उसको कन्फ्यूजिंग टाइटल हो जाता है, मतलब कि उसको टाइटल समझ में नहीं आता मैं अपने वीडियो में कैसा टाइटल रखूँ या कैसा टाइटल ना रखूँ। जैसा कि आप मान लो एक न्यू यूट्यूबर होता है, न्यू यूट्यूबर बड़े की न्यू वीडियो देखकर अपना टाइटल रखता है, यहाँ भी इस बड़े यूट्यूबर ने अपने वीडियो में टाइटल कैसे रखा है, उसी टॉपिक पर वीडियो अगर बनाता है उसी तरह से टाइटल रख देता है और अपने चैनल का नाम भी दे देता है। इससे क्या होता है, इससे आपके चैनल के कीवर्ड्स होते हैं जो वो घट जाते हैं, जो कि आपकी वीडियो रैंक में जानी चाहिए और रैंक से भी घट जाती है। ऐसी वजह से अगर आपका न्यू यूट्यूबर चैनल है ना, तो आपके चैनल को तो कोई नहीं जानता। इस वजह से बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल के नाम हैं, आप सभी जानते हैं, आप सर्च भी करोगे आ जाता है, आपके चैनल को कोई नहीं जानता। अगर आप अपने टाइटल में अपने चैनल का नाम दे दोगे, इससे आपके कीवर्ड्स भी घट जाएंगे और जो टॉपिक पर आपने वीडियो भी अपलोड की होगी वो भी इतनी जल्दी रैंक नहीं करेगी। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में करता था, समथिंग इंटरेस्टिंग। जी हाँ, अक्सर एक न्यू यूट्यूबर जो कि होता है, यूट्यूब में करियर बनाना चाहता है, वो अक्सर अपनी ऑडियंस को इंट्रैक्शन नहीं दे पाता, अपनी तरफ खींच नहीं पाता। जैसा कि आप देखते हो किसी की वीडियो देखते हो, उसके नीचे आपकी एक वीडियो आ जाती है जिस पर 140 100 150 व्यूज़ होते हैं, वो उतना ही टाइम होता है। अगर कोई ऑडियंस आपके चैनल पर आती है, बाहर से आपकी वीडियो को देखती है, सबसे पहले आपको अपने जो एक मिनट का जो होता है पार्ट, उसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा। हाँ भी कोई भी हमारी वीडियो को देखे, उसको इंटरेस्टिंग लगे, वो हमारी वीडियो को स्किप करके ना जाए या बंद करके ना चले जाए। सबसे पहले बात आपको इंटरेक्शन बनानी होगी अपनी ऑडियंस के साथ, और साथ में साथ जो कि एक मिनट का या डेढ़ मिनट का जो भी पार्ट होता है, उसको इंटरेक्शन बनाना होगा अपनी ऑडियंस के साथ, जो भी अपनी कोई न्यू ऑडियंस आपकी वीडियो को देखे और स्किप करके ना जाए और बंद करके ना जाए। अब तीसरे मिस्टेक की बात करते हैं, वो है लो एनर्जी। जी हाँ, जब भी आप अपनी वीडियो को बनाते हो, आपको हमेशा लो एनर्जी में काम नहीं करना। आपको मिडिल क्लास, जैसे कि नॉर्मल घर में रहते हो, आपको वैसे ही अपने कैमरे को फेस करना होगा और वैसे ही वीडियो बनाना होगा। इससे भी आपका ऑडियंस के साथ इंट्रैक्शन बढ़ता है और आपका चैनल पर व्यूज आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप लो एनर्जी में काम करोगे, वो ऐसे ऐसे करके काम करोगे, 100% मानिए आपकी वीडियो को कोई नहीं देखेगा, वॉच भी नहीं करेगा। ऑडियंस यही बोल के जाएगी, हाँ भैया तू तो लो एनर्जी में काम करता था, तू हमको क्या सिखाएगा। इस वजह से आपको लो एनर्जी में अपनी वीडियो नहीं बनानी है। अगर बनाते हो तो थोड़ा सा ऊपर उठो, जैसे कि घर में रहते हो वैसे अपनी वीडियो को शूट किया करजिए और अपने अपलोड किया कीजिए। अब मिस्टेक आता ही है फ़ोन नंबर की, जो मैं कई अक्सर किया करता था अपने पहले वीडियो में शुरुआती तौर में, मोबाइल कैमरा लेंस। जी हाँ, सबसे पहले आप अक्सर कोई भी न्यू यूट्यूबर अपनी वीडियो बनाता है या वीडियो शूट करता है, अपने मोबाइल से शूट करता है, वो अपनी स्क्रीन में देखता है, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ अपनी स्क्रीन में देखना है। आपको अपनी स्क्रीन में नहीं देखना, आपको सिर्फ अपने मोबाइल के लेंस में देखना है। अगर आप अपनी स्क्रीन में देख के वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ऑडियंस को लगेगा, हाँ भी ये तो तिरछा है, ये क्या हमको वीडियो सिखाएगा या मतलब कि टेक्नोलॉजी की वीडियो बताएगा। इस वजह से आपको अपने फोकस अपने लेंस की तरफ देना होगा, ना कि अपनी स्क्रीन में देना होगा, हाँ भी मैं क्या करता हूँ कैसे परफॉर्म करता हूँ, आपको ये नहीं देखना। बस आपको अपने लेंस में देखना होगा और अपनी वीडियो को शूट करना होगा। अब बात आती है 5 नंबर मिस्टेक की। जी हाँ, हेट कमेंट्स। जी हाँ, जैसे कि आप वीडियो अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद आपको लाइक्स आते हैं, डिसलाइक्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं, हेट कमेंट्स भी आते हैं उसमें, आपको जिसमें गाली दी होती है, कुछ लिखा होता है, हाँ भाई तुझको वीडियो बनाना नहीं आता, क्यों वीडियो बनाता है तू, फालतू वीडियो बनाता है, टेक्नोलॉजी की तू वीडियो नहीं बनाता है, ऐसे ढेर सारे आपको कमेंट देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देना, अगर कोई अच्छा रिप्लाई देता है तो
थैंक यू लिखिए या कुछ लिखिए, अगर कोई एड्स कमेंट देता है या गाली करता है या कुछ भी करता है, आप उसको गाली में बदले गाली मत दीजिए, ना उसको बोलिए कुछ, बस उसको इग्नोर कीजिए और अपने काम में फोकस कीजिए। उससे आपका फीडबैक बढ़ता है। अगर कोई आपको गाली देता है या कुछ करता है, आपको बस इतना देखना है, हाँ भाई इसने मुझे गाली दी, आगे से और मेहनत करूँगा और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ऐसे आपकी कमियों को पता चलता है, हाँ भाई हमारे में क्या क्या कमी है, कौन सी वीडियो में हमको सुधार करना चाहिए, कौन से करैक्टर में हमको सुधार करना चाहिए, ऐसे आपको पता चलता है। ना कि आप उसको गाली दे, अगर गाली दिया आपने, समझ लेना आपकी वीडियो के नीचे बारिश ही आ जाएगी हेड कमेंट्स की। बस यही था जो कि मैं 5 मिस्टेक करता था अपने YouTube करियर चैनल में, जो कि शुरुआती तौर में अक्सर हर कोई करता है। हर कोई कमेंट का रिप्लाई देता है, हेड कमेंट्स का भी रिप्लाई देता है, आपसे आज से ये करना बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करना बंद कर देंगे 100% आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। मैं भी शुरुआती तौर में ऐसा करता था, जिस वजह से मेरा चैनल इतनी जल्दी ग्रो नहीं हुआ। आज मैंने ये करना बंद कर दिया है, जो कि अच्छा कमेंट्स में मुझे रिस्पॉन्स मिलता है आप सभी के प्यार से और मदद से। अगर आप भी ऐसी गलती करते हो तो प्लीज़ हमको नीचे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताना आप कौन सी गलती करते हो इन 5 मिस्टेक में से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके हमको ये बताना आप 5 मिस्टेक में से कौन सी गलती करते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।